मोदी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुंडल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुंडल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। वैसे आज रोशन लाल भगत जी नायब सरपंच आई जाओ, ये लक्की सरपंच जी चलिए, शशि सरपंच है, इनको जगह दे दो यार पीछे बैठे। ये तिलकराज सरपंच जी सरपंच चेयरमैन थोड़ा सा लक्की सरपंच में जगह दे दो, इंडिपेंडेंट बीजेपी सबको मेरी तरफ से स्वागत। और हमारे यहाँ सीनियर साथी जो बैठे हैं, हमारे क्या बोलते हैं तो सारे साथी, सबको मेरी तरफ से यहाँ का यहाँने का स्वागत है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक चीज कहूंगा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, यही एक उम्मीद है गरीब लोगों, आम लोगों। बीजेपी ने खाली एक चीज रखा है कि वो काम न करे। आपने देखा 25 एमएलए उनके थे, मिनिस्टर थे, आपने 10 पैसे का काम उनके मिनिस्टरों से या उनके एमएलए से देखा आपने। जब मैं बिजली मिनिस्टर था, 150 करोड़ रुपया मैंने लाया था लास्ट में केंद्र सरकार से बिजली लगाने के लिए चुनाव मेले में। 4 साल में निर्मल सिंह जी को क्वेश्चन डालता रहा हाउस में कि ये पैसा आप क्यों नहीं खर्च कर रहे। उनकी कुर्सी भी चली गई, लेकिन वो पैसा नहीं खर्च पाए, उसके बाद वो पैसा खर्च हुआ। इतने नालायक मिनिस्टर थे बीजेपी, एमएलए उनके नालायक, मिनिस्टर उनके नालायक, उनके कॉरपोरेशन में 10 पैसे का काम नहीं हुआ, मगर उनका फंडा है। लास्ट में आप कोई ना कोई पंगा करो, जैसे सत्यपाल शर्मा, ये सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर हैं, अभी भी उनकी क्लिप आप देखो कि हमें वो कह रहा है कि मुझे डर है कि ये कोई ना कोई पंगा करे, कोई कुमनल आग लगाए, कोई कुमनल नारा दे, उसके बाद इनकी जय जयकार। 2008 के इलेक्शन में इन्होंने यहाँ पे बम बम बोले जैसा एक इशू बनाया और उसके बाद इनके कुछ एमएलए जीते। 2014 में भी ऐसा ही माहौल बना दिया और आज भी इनकी कोशिश है कि हम ऐसा कुछ करें जिससे लोगों को जो अज़ियतें जो इन्होंने लोगों को परेशान किया, आज आप देखो गरीबी की रेखा जो है जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है। आज देखो कारोबार ही नहीं है कहीं। अभी 1 महीने के बाद दरबार मुंह आता था जम्मू में, और दरबार मुंह से क्या होता था, मकान किराए पे लगते थे, यहां पे कंस्ट्रक्शन होती थी, दुकानों से सामान लेते थे, यहां पे खरीदारी होती थी, होटलों में काम चलता था, पैसे का फ्लो बढ़ता था, और जम्मू में जो है कारोबार का एक अच्छा खासा जो है काम निकल जाता था। वो भी इन्होंने बंद किया, जो कि आजादी से पहले महाराजा की परंपरा थी, वो हमारी परंपरा बनाई हुई कांग्रेस की तो नहीं थी, वो महाराजा की परंपरा थी कि 6 महीने सेक्रेटरी का श्रीनगर में रहेगा, और उससे भाईचारा भी बढ़ता था, दूरियां कम हो जाती, खत्म हुआ। प्रॉपर्टी टैक्स जो 75 साल से किसी ने लगाया नहीं, इन्होंने लगा दिया। महंगाई इन्होंने बढ़ाई,
टोल प्लाजा इन्होंने जगह जगह लगा दिए, और जिस टोल प्लाजा से इन्होंने 50 रुपए शुरू किए आज वहां पे 300-400 हो गए। आज जाने का अलग आने का अलग, पहले कुठवा वाला बेचारा जम्मू आता था वापस जाता था कोई टोल नहीं पड़ता था, अब तेल से ज्यादा उसको टोल लगता है, और जब हमारे बच्चे प्रोटेस्ट करें उनको जेलों में डालते हैं और कहते हैं कि भैया हम उठाएंगे नहीं। और मुझे पता है कि टोल में कितना करप्शन है, क्योंकि मेरे एरिया में एक टोल लगा है, कितना वहां पे लूटे लूट रहे हैं, और बीजेपी उससे कितना फायदा, कितना पैसा लूट रही है टोल प्लाजा, बहुत करप्शन है। गाड़ियों को वेट किया जाता है उसके बाद हिसाब किया जाता है, थोड़ा सा भी वेट ज्यादा हो तो पैसे का हिसाब चलता है उनके साथ। तो ये सारी चीजें जो है, अब स्मार्ट मीटर की बात करेंगे, जो आदमी 5,000 रुपए 10,000 रुपए कमाता है चाहे वो श्रीनगर सिटी में हो या जम्मू सिटी में, ये सिटीज जो है दूर से दिखती है बड़ी खूबसूरत, आपको होटल दिखेंगे, आपको मॉल दिखेंगे, आपको अच्छी अच्छी दुकानें दिखेंगे, वो खाली 2% या 3% लोग होते हैं, अंदर सिटी की हालत बड़ी बुरी होती है। आप मोहल्लों में जाओ कितनी गरीबी हो, श्रीनगर में जाओ, डाउनटाउन में जाओ, यहां जाओ, अंदर अंदर मोहल्लों में देखो क्या हालात है। जो आदमी 5,000 नहीं कमाता है 10,000 नहीं कमाता है उसको स्मार्ट मीटर से 4-4, 5-5 हजार रुपए बिल भरना है, कहां से भरेगा? अरे भैया हमारे टाइम में भी लॉसेस होते, जब हम बिजली मिनिस्टर थे 2,000 करोड़ रुपए कलेक्शन थी, 4,500 करोड़ रुपए जो था खर्चा था बिजली में, 2,500 करोड़ रुपए हम लॉसेस में डाल देते थे क्योंकि गरीबों को राहत देनी है। यहां कश्मीर में माइनस हो जाता है, आपको पानी भी गर्म करना है, आपको कमरा भी गर्म करना है, यहां जम्मू में इतनी जबरदस्त की गर्मी पड़ती है, बचने के लिए आपको एसी तो लगाना ही है। चलो एसी का बेचारे कौन कौन खाता था एसी का बिल, लेकिन इतना आप प्रेशर डालोगे गरीब पे वो बेचारा क्या करे, वो बच्चों को पढ़ाए, वो बेटी की शादी करे, वो मकान बनाए, वो अपना खाना खाए, वो अपने कपड़े ले, वो क्या करे? और इन लोगों को गम ही नहीं है, इनको पता है कि हम मोदी मोदी करेंगे, बम बम बोले करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, कोई और पंगा पकाएंगे और वोट ले।